जय हिंद दोस्तों, भारत ने अपना पहला प्राइवेटली मेड रॉकेट विक्रम एस को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है और ये पॉसिबल हो पाया है दो लोगों की वजह से, हु डेयर टू ड्रीम। नाउ इन देयर अर्ली 30s, पवन कुमार चंदना एंड नागा भरत डाका ने इसरो को छोड़ दिया और स्काईरूट एरोस्पेस को शुरू किया, ऐसा स्टार्टअप जिसने सब ऑर्बिटल व्हीकल्स डेवलप किया। ये भारत के स्पेस सेक्टर में एक नए युग का प्रारंभ है, क्योंकि अभी देश ने अपने पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस की लॉन्चिंग को देखा है। एक सब ऑर्बिटल रॉकेट जिसे श्रीहरिकोटा से सुबह 11:30 पर सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, जिससे एक ऐसे इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर का मार्ग प्रशस्त हुआ है जिस पर दशकों से इसरो का डोमिनेशन रहा है। रॉकेट को 4 साल पुराने हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा डेवलप किया गया है और इसे लॉन्च किया है इसरो और इन स्पेस ने, यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित रॉकेट विक्रम एस ने आज श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी। यह भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था। ये 2020 की ही बात है जब इंडिया ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोला है और उन्हें रॉकेट और सैटेलाइट बिल्ड करने के लिए अलाउ किया है, और केवल 2 ही सालों में स्काईरूट हैज क्रिएटेड हिस्ट्री एंड नाउ वी टेक अ लुक एट द फर्म एंड द मैन बिहाइंड इट, द बर्थ ऑफ स्काईरूट। इस फर्म को जून 2018 में दो इंजीनियर्स पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका ने लॉन्च किया था। ये दोनों ही इसरो में काम कर चुके हैं। बट इन 2015 डाका, जो स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर की बड़ी भूमिका के बारे में उत्साहित था, उसने अपनी जॉब छोड़ दी और कुछ सालों बाद चंदना उसके साथ जुड़ गया एंड टुगेदर दे फाउंडेड स्काईरूट। इस फर्म का एम था ओपन स्पेस फॉर ऑल बाय पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ टुडेज टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम कर रहा है जहां स्पेस हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाए, और क्लेम करते हैं कि ऐसा परिवर्तन मानवता को बदल कर रख देगा। शुरुआत में स्काईरूट सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए रॉकेट कंपोनेंट बिल्ड करती थी, लेकिन भारत सरकार द्वारा स्पेस सेक्टर को प्राइवेट फर्म के लिए खोले जाने के तुरंत बाद ही ये इसरो के साथ साइन अप कर लेते हैं, क्योंकि इसरो ऐसे खिलाड़ियों को एजेंसी की लॉन्चिंग फैसिलिटी यूज करने की परमिशन देता है। हमने आज भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करके इतिहास रच दिया। यह नए भारत का प्रतीक है और एक महान भविष्य का सिर्फ प्रारंभ है, ऐसा चंदना ने ट्विटर लिखा था। चंदना और डाका इसरो के दो फॉर्मर साइंटिस्ट हैं और अब स्काईरूट में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। 32 वर्षीय चंदना एक रॉकेट इंजीनियर है जिसने IIT खड़गपुर से पढ़ाई की है और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का रहने वाला है। जब वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे तब वे स्पेस एजेंसी के प्रति काफी फैसिनेटेड थे। हम हमेशा इसरो के लॉन्च की खबरें देखते थे। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के रूप में मेरे लिए एक बड़ा आकर्षक था कि मैन मेड मशीन स्पेस में जा रही थी। कैंपस प्लेसमेंट ने उसे इसरो में नौकरी दी, जहां उसने स्पेस एजेंसी में रॉकेट बिल्डिंग विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में 6 सालों तक काम किया। वह उस टीम का हिस्सा था जिसने GSLV Mark III पर काम किया था, जो इसरो द्वारा बनाया गया लार्जेस्ट रॉकेट है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में उसे अपनी ही विचारधारा वाला एक कोलीग मिला डाका, जो कि IIT मद्रास का पूर्व छात्र रहा है। 33 वर्षीय युवक जिसके पास बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एक मास्टर्स डिग्री इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एंड VLS डिजाइनिंग है, डाका ने स्पेस सेंटर में एज ए फ्लाइट कंप्यूटर इंजीनियरिंग काम किया, जो लॉन्च व्हीकल के लिए सीक्वेंसिंग, नेविगेशन, कंट्रोल एंड गाइडेंस फंक्शन को इंप्लीमेंट करने वाले कई ऑन बोर्ड कंप्यूटर मॉड्यूल के लिए हार्डवेयर एंड फर्मवेयर बनाने का काम करता था। दोनों ने ही स्पेस सेक्टर में प्राइवेट फर्म के उदय को उत्सुकता से देखा। उस टाइम भारत के पास पोटेंशियल तो था, लेकिन ऐसी स्पेस पॉलिसीज नहीं थी जो इसे कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए अलाउ करे। फिर भी उन्होंने चांस लिया और ये काम कर गया। इन दोनों के अलावा टीम में शामिल है वासुदेव गणानन गांधी, नोन एज द पायोनियर ऑफ क्रायोजेनिक रॉकेट साइंस इन इंडिया, और ये फर्म में लिक्विड प्रोपल्शन और क्रायोजेनिक डेवलपमेंट को हैंडल करते हैं। इन रॉकेट बॉयज के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।